हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसपर चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छा लाजवाब किचन गैजेट, जो फ्रेंड्स एक मिनी ग्राइंडर मशीन। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक गार्लिक मशीन यहां पे लिखा है। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पे साइड पे आप देख सकते हैं यहां पे क्या क्या आप चॉप कर सकते हैं वो यहां पे लिखा है। तो यहाँ पे इटालियन राइस, गार्लिक, सैलड, स्लाइड्स, तो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, प्रोडक्ट के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी वोल्टेज है 3.7 वोल्ट, मतलब इसके अंदर आपको रिचार्जेबल बैटरी भी आपको मिल जाते हैं। रेटेड इनपुट वोल्टेज यहाँ पे आपका 5 वोल्ट, मतलब आपको चार्जर से आपको इसको चार्ज देना होगा, मोबाइल चार्जर जो होते हैं। 1 एम्पियर इसका रेटेड इनपुट करंट है। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसका नेट वेट यहाँ पे लिखा है। तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका किचन के लिए आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक गैजेट है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन इसका 250 ml यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 100 ml और 250 ml दोनों मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि बबल के एकदम सेंटर पोजिशन पे ब्लेड को यहाँ पे फिट करना है। इवन फ्रेंड्स, आपका जो इंग्रीडियंट्स है, मतलब जो आप यहाँ पे मिक्सिंग करना चाहते हैं, उसको पहले छोटा पीस पे कट कर लीजिए, उसके बाद बाउल के अंदर डालिए और ग्राइंड कीजिए। और उसके साथ साथ आप जब भी ग्राइंड कर रहे हैं तो उस टाइम आपका बाउल को आपको होल्ड करके रखना है। तो इन सभी चीज को आपको यहाँ पे बोला गया है। तो इसको फ्रेंड्स, मैं वीडियो पे आपको दिखा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कॉशन भी दिया है, यहाँ पे बच्चों से इसको दूर रखने के लिए बोले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर शार्प ब्लेड होते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर कुछ डाल के आप माइक्रोवेव पे कुक नहीं कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप पहले बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा। तो अभी फ्रेंड्स, चलिए इस बॉक्स को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स के अंदर आपको पहले ग्राइंडर आपको मिल जाते हैं। और उसके साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा यूजर मैनुअल गाइड है, तो चाइनीज में लिखा हुआ है, तो ये तो मुझे पढ़ना नहीं है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके साथ फ्रेंड्स, एक आपको यूएसबी कॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दैट्स इट फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं पैकेजिंग कुछ ऐसा ही यहाँ पे आया है। और अभी बात करता हूँ यहाँ पे मेन चीज़ के बारे में, जो है फ्रेंड्स मिनी ग्राइंडर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका लुक फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका क्वालिटी भी फ्रेंड्स मैं हाथ पे लेकर देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे फील बहुत ही अच्छा हो रहे हैं। और फिर उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं शार्प ब्लेड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो स्टेनलेस स्टील का है। और इसका जो आप शार्पनेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ग्राइंडिंग होगा। और फिर इसका जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का क्वालिटी भी फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो अभी फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो बबल है, बबल को इसको ऐसे तरह यहाँ पे फिट करना होगा और थोड़ा बहुत घुमाना होगा और ये लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्वालिटी फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम, मतलब कितना आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। और उसके साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पावर ऑन ऑफ स्विच है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। और उसके साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो चार्जिंग सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट लगाने के लिए यहाँ पे चार्जिंग जो पोर्ट होते हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप फ्रेंड्स, आपका जो मोबाइल चार्जर है उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स 1 एम्पियर का मिनिमम आपका मोबाइल चार्जर होना होगा, उसके बाद ही आप इसको चार्ज दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ चॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहले से ही कुछ चॉप कर लिया था, और जैसे कि फ्रेंड्स ग्रीन चिलीज है यहाँ पे, ऑनियन है, गार्लिक है, जिंजर है, तो इसको फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चॉप करके आपको दिखाऊंगा। तो पहले फ्रेंड्स आपको बाउल को यहाँ पे खोलना होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स बाउल के अंदर आपको डालना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ग्रीन चिली यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसके बाद बहुत ही सावधानी से आपको बाउल के ऊपर ये जो मशीन है इसको आपको यहाँ पे लगा देना होगा और घुमा देना होगा, ये लॉक हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको यहाँ पे स्विच ऑन करना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं घूमना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे ग्रीन हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा चॉप्ड हुआ है, यहाँ पे ग्रीन चिली से एकदम बहुत ही बारीकी से यहाँ पे चॉप्ड हो चुका है। और अगर आप इसको पेस्ट बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको पानी डालना होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पानी डाल के मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे पानी डाल के आप बहुत ही अच्छा पेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी कुछ यहाँ पे ग्रीन करके मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं गार्लिक और जिंजर भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे चॉप्ड हो चुका है। और अगर आप इसका पेस्ट बनाना चाहते हैं तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे पानी यूज़ करना होगा। और अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनियंस भी मैं ग्रीन करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ऑनियंस भी बहुत ही अच्छी तरीके से और बारीकी से यहाँ पे चॉप्ड हो चुका है। और आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और फ्रेंड्स इसको आप बहुत ही आसानी से वॉश भी कर सकते हैं। इसको वॉश करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे बाउल को और आपका ब्लेड को अलग से आपको इसको वॉश करना होगा। और ये जो नीचे वाला जो डिवाइस है ये फ्रेंड्स स्प्लैश प्रूफ है, लेकिन फ्रेंड्स इसको आपको ध्यान से आपको वॉश करना होगा। एक गीला कपड़ा लेके आपको इसको वॉश करना होगा। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे चार्जिंग देके भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल चार्जर जब भी यहाँ पे लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर एक रेड कलर का लाइट इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे चार्जिंग हो रहे हैं। और इसको फुल चार्ज करने के लिए फ्रेंड्स आपको 2 से 3 घंटा आपको लग जाएगा। और जब भी ये चार्जिंग खत्म हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, तो ये लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ब्लू लाइट जल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी बात करता हूँ इसका प्राइस के बारे में। तो अंडर 500 अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको ये मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। क्या लोकल मार्केट पे अगर आपको मिलते हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट का लिंक मैं मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा है प्लीज मेरा वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन क्लिक किए जरूर बताएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से जुड़ूंगा एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए गुड बाय।